Hello guys, welcome back to my channel again. So today's topic is Windows and Windows Servers. What is the difference between Windows and Windows Servers? Basically most of the time हम ये पता करना चाहते हैं कि क्या difference होता है हमारी Windows में और जो हमारे Windows Servers पे operating system होता है उसमें क्या differences होते हैं. तो आज हम कुछ topics पे discuss करेंगे, कुछ points पे discuss करेंगे कि किस तरह से हमारी जो personal computers पे जो Windows पड़ी होती है और जो हमारे servers पे जो Windows पड़ी होती है वो उस दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं. सो बेसिकली सबसे पहले हम ये कैटेगराइजेशन देख लेते हैं कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है. सो हमारी जो मेन विंडोज है उसको हम बोलते हैं COS, मींस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड जो हमारा विंडोज सर्वर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम NOS, NOS मींस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके, अगर हम दूसरे टर्म्स में बात करें तो दूसरे टर्म्स में हमारे जो विंडोज हैं इनको बोलते हैं हम वर्क स्टेशंस. अब वर्क स्टेशंस किस टर्म्स में बोलते हैं? बेसिकली अगर आपने कभी भी चेक किया होगा तो आपका जो डिफॉल्ट डोमेन होता है आपके पर्सनल कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो विंडोज होती है, उसका जो डिफॉल्ट डोमेन होता है वो वर्क स्टेशन होता है. एंड जो हमारे विंडोज सर्वर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम सर्वर्स एंड डोमेन कंट्रोलर. बेसिकली अगर हम अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी अगर ऑन कर देते हैं तो हमारा जो वर्क स्टेशन जो डिफॉल्ट डोमेन होता है उसको हम एक पर्टिकुलर डोमेन से कनेक्ट कर देते हैं जो कि हमारे एक विंडोज सर्वर्स में सर्विस प्रोवाइड की होती है एक्टिव डोमेन कंट्रोल के फॉर्म में. ओके, तो उस केस में हमारा डोमेन जो है चेंज हो जाता है जो कि हमारे विंडोज सर्वर ने बनाया होगा. नाउ अब हमारी जो मेन विंडोज का जो वर्क होता है वो होता है क्लाइंट मींस रिसीविंग सर्विसेज. जो भी सर्विसेज हमारे नेटवर्क पे अवेलेबल है, जो भी सर्विसेज हमारे किसी सर्वर ने प्रोवाइड कर रखी है हमारे नेटवर्क पे, उन सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकता है हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम. मेन जो हमारी पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पर्सनल विंडोज है, वो हमारी सिर्फ सर्विसेज को रिसीव कर सकती है और उसका यूटिलाइजेशन कर सकती है. एंड द विंडोज सर्वर्स क्या कर सकते हैं? विंडोज सर्वर्स सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. हमने एक IIS पे अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी और उसको नंबर ऑफ यूजर्स यूटिलाइज कर सकते हैं. बट आप कहेंगे कि हमारे पर्सनल विंडोज पे भी हम IIS के थ्रू एक विंडोज एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन को भी होस्ट कर सकते हैं. बट डिफरेंस क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कनेक्शंस होते हैं, जो नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं और नंबर ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी है, वो हमारे मेन विंडोज जो पर्सनल विंडोज है उस पर कम होती है और जो हमारे विंडोज सर्वर्स हैं उनकी हाई अवेलेबिलिटी रहती है जो डेटा को नेटवर्क पे अवेलेबल कराते हैं. तो ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस होता है. यहाँ पे अगर हम सपोज करें 10,000 कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो यहाँ पे अराउंड 10,000 क्रॉस 10 मतलब नंबर 10 टाइम्स हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने नंबर ऑफ कनेक्शंस को. यहाँ पर हम लो बैंडविड्थ पे काम करते हैं, यहाँ पर हम हायर बैंडविड्थ पे भी वर्क कर सकते हैं. एंड अगर हम कुछ और पॉइंट्स को देखें कि हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने विंडोज को और विंडोज सर्वर्स को, तो सबसे पहला पॉइंट आता है लाइसेंसिंग. बेसिकली अगर हम अपने पर्सनल पीसी के लिए कोई विंडोज लेते हैं तो उसकी जो लाइसेंसिंग है उसमें हमारे नंबर ऑफ कनेक्शंस लिमिटेड होते हैं. लाइक 10,000 कनेक्शंस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एंड कुछ ग्रुप पॉलिसीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं. ग्रुप पॉलिसीज, रजिस्ट्री एडिटिंग एंड जो यूटिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, उनको सिर्फ पर्सनल पीसीज के लिए ही यूज़ किया जा सकता है. एंड अगर हम विंडोज सर्वर्स के बारे में लाइसेंसिंग के बारे में बात करें तो हमारे नंबर ऑफ कनेक्शंस इंक्रीज हो जाते हैं, सिक्योरिटी और ग्रुप पॉलिसीज जो है वो नेटवर्क पे अवेलेबल करा सकते हैं हम विंडोज सर्वर्स के थ्रू. बट इन विंडोज हम सिर्फ एक पर्सनल पीसी के लिए ग्रुप पॉलिसीज को एडिट कर सकते हैं, बट इन विंडोज सर्वर्स हम नेटवर्क पे जितने डोमेन कंट्रोल में हमारे सिस्टम कनेक्टेड है हमारे सर्वर्स के साथ, उन सबकी सिक्योरिटी को एडिट कर सकते हैं फ्रॉम द विंडोज सर्वर्स. ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज सेकेंड पॉइंट इज सिक्योरिटी.
अगर हम विंडोज अपने पर्सनल पीसी के विंडो सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड परमिशंस होती हैं। हम यूजर्स को सिक्योरिटी एंड परमिशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप की परमिशंस प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर्स को। बट हमारे जब विंडोज सर्वर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इनबिल्ट परमिशंस और इनबिल्ट सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। लाइक हम यहाँ पे सिर्फ एक दो तरह के यूजर्स बना सकते हैं, नॉर्मल यूजर एंड स्टैंडर्ड यूजर्स। यहाँ पर हम नंबर ऑफ टाइप्स के यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइप्स के ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते, अगर ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ अगर हम एडिशनल टूल्स के थ्रू ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वो सिंपल एक ही तरह का ग्रुप होगा। बट अगर हम विंडोज सर्वर्स में बात करें तो नंबर ऑफ टाइप्स के हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रुप्स, ग्लोबल ग्रुप्स। तो इस तरह के ग्रुप्स यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि इनबिल्ट फीचर्स हैं हमारे विंडोज सर्वर्स के। थर्ड टॉपिक इज हायर अवेलेबिलिटी। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि विंडोज की जो कनेक्शंस हैं वो लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, और विंडोज सर्वर्स ज्यादा नंबर ऑफ कनेक्शंस को हैंडल कर सकता है। बिकॉज कि हम हमारी जो विंडोज सर्वर्स हैं वो 128 GB RAM, 1 TB RAM पे भी वर्क कर सकते हैं, बट हमारी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इतनी हायर रैम पर परफॉर्मेंस नहीं अच्छी कर पाएंगे। तो विंडोज सर्वर्स को 64 बिट पे उन्हीं इसी बात को ध्यान में रख के डेवलप किया गया है कि वो हायर अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखें। तो जो हमारी लार्ज रैम है उसको हमारे सर्वर जो है हैंडल कर सकते हैं। एंड द फोर्थ टॉपिक इज फोर्थ पॉइंट इज एडिशनल सर्विसेज। एडिशनल सर्विसेज क्या है? लाइक DHCP, DNS, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोल, FTP, फाइल शेयरिंग, सांबर शेयरिंग। लाइक इस तरह की सर्विसेज जो है हमारा विंडोज सर्वर प्रोवाइड करता है, बट विंडोज जो हमारे पर्सनल पीसी विंडोज है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमारे पर्सनल विंडोज में भी DNS होता है, DHCP होता है, बट हम कन्फिगेशन नहीं कर सकते फॉर द नेटवर्क। मीन्स हमारा सिस्टम सिर्फ अपने सिस्टम के लिए DNS और DHCP क्रिएट कर सकता है, बट हम ये चाहें कि अगर एक नेटवर्क के लिए DNS और DHCP अपने विंडोज सर्वर से बना दें देन हम वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये फीचर होते हैं कि हम एक DHCP, DNS, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोल, फाइल शेयरिंग, नेटवर्क शेयरिंग, इस तरह की सारी परमिशन हम विंडोज सर्वर के थ्रू अवेलेबल करा सकते हैं फॉर द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स हमारे पर्सनल विंडोज के लिए। ओके, नाउ फिफ्थ टॉपिक इज सपोर्ट। अगर आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम ले रखा है और उसको आप एज अ सर्वर ट्रीट कर रहे हो अपने एंटरप्राइज लेवल पे, सपोज आपने विंडोज 7 ले लिया और उसके IIS पे आप अपनी वेब एप्लीकेशन सोर्स करके और यूज़ कर रहे हो, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को कॉल करते हो उस प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए, देन माइक्रोसॉफ्ट उस सपोर्ट को रिफ्यूज़ कर देगा बिकॉज आप सही तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ नहीं कर रहे हो। बिकॉज उनके अकॉर्डिंग, उनकी लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग आपके एंटरप्राइज लेवल पे विंडोज सर्वर्स यूज होने चाहिए जो कि वेब सर्वर एप्लीकेशंस को होस्ट करने के लिए। तो सपोर्ट एक मेन चीज आ जाती है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि विंडोज और विंडोज सर्वर्स किस तरह से वर्क करते हैं। एंड द मेन डिफरेंस अगर हम मोटे तौर पे बात करें विंडोज और विंडोज सर्वर्स के बारे में, तो विंडोज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं, एक बैकएंड प्रोसेस, एक फॉरएंड प्रोसेस। तो जब भी हमारा पर्सनल पीसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारी फॉरेन प्रोसेसेस को प्रायोरिटी दी जाती है और बैकएंड को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। अगर हम सर्वर्स के बारे में बात करें तो बैकएंड प्रोसेसेस को प्रायोरिटी दी जाती है और फॉरेन प्रोसेसेस को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इसलिए हमारे विंडोज जो पीसी होते हैं उनका UI अच्छा होता है बिकॉज वो फॉरेन प्रोसेस में आता है, एंड हमारे जो ऑपरेटिंग विंडोज सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका UI एक
इतना अच्छा नहीं होता, बट वो सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज अच्छे से सर्व कर सकते हैं। एंड अगर और थोड़ा सा और डीप में अगर बात करें तो विंडोज सर्विस, विंडोज हमारे पर्सनल पीसीज हैं, उनके जो सीपीयू है, सीपीयू फॉरेन प्रोसेस पे बिजी रहता है और आप नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके सीपीयू के अराउंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस जनरेट कर सकते हो और सीपीयू के अराउंड सीपीयू के जो फुल पावर है उसको यूटिलाइज कर सकते हो थ्रू द फॉरेन प्रोसेसेस। बट अगर आप ये काम विंडोज सर्वर्स पे आप करेंगे, विंडोज सर्वर्स पे बिकॉज बैकएंड सर्विसेज प्रायोरिटी पर हैं, अगर फॉरेन प्रोसेसेस को जनरेट करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि बैकएंड प्रोसेसेस कोई भी बैकएंड प्रोसेसेस कोई भी क्लोज हो सकती है या फिर वो डिस्कार्ड हो सकती है, उसकी वजह से कोई भी एक सर्विस जो कि नेटवर्क पे प्रोवाइड की जा रही है लाइक DHCP DNS वो बंद हो सकती है और उसकी वजह से पूरा का पूरा नेटवर्क जाम हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरेन प्रोसेसेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंसेस हैं विंडोज एंड विंडोज सर्विसेस, विंडोज सर्वर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक।